Welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to discuss about the topic Operating System ka Vargikaran, Classification of Operating System. Aaj hum aapko Operating System ka Vargikaran batayenge, means uska classification ke baare mein hum log discuss karenge. Theek hai? To dekhiye, yahan par aapko do type yahan par dikhaye gaye hain. ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देखिए. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपको वहां पे पता चलेगी और स्ट्रक्चर उसका हमने वहां पर आपको डिफाइन किया है. ठीक है, तो अब जो बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये तो आपको बता दिया गया था कि सिस्टम जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम तब तक नहीं चलेगा जब तक कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा. ठीक है, अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल भी कहते हैं. ठीक है, तो हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाता है. तो यहां पर आज उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे या उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है. ठीक है, यहां पर दो टाइप पहले बताए गए हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सिंगल यूजर या मल्टी यूजर से मतलब क्या है? सिंगल यूजर का मतलब है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि एक बार में एक ही यूजर वर्क कर सकता है. ठीक है, एक बार में एक ही यूजर उस सिस्टम को यूज कर सकता है. आप चाहें तो कि एक सिस्टम को, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को कोई एक से ज्यादा यूजर्स यूज करें एक ही टाइम पे, तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और बैच प्रोसेसिंग. ठीक है, क्या मतलब है इसका, इनके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. यहां शॉर्ट में आपको यहां पर हल्का सा डिफाइन कर रहे हैं कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब क्या है, कि सिंगल यूजर एक यूजर और एक ही काम को करे बस. ठीक है, एक बार में एक ही काम कर पाए, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिंगल यूजर के अंदर. इसी तरीके से एक यूजर एक से ज्यादा काम करे, तो ये कुछ इसका कैटेगराइजेशन है हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का. फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहां पर आपको ये फोर टाइप दिखाए गए हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम अपने कंप्यूटर को भी देखते हैं. मतलब क्या, ये जैसा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसा ही हमारा कंप्यूटर भी बन गया. अगर कंप्यूटर हमारा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा कंप्यूटर भी यही हो जाएगा. ठीक है, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग वर्क परफॉर्म करता है तो हमारे सिस्टम को भी हम यही बोलेंगे कि हम जो कंप्यूटर लेकर के आए हैं वो एक सिंगल यूजर को अलाउ करता है और सिंगल टास्किंग केवल एक ही काम कर सकता है. ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने कंप्यूटर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस हिसाब का है. ठीक, वही चीज आपकी यहां पर होगी कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक साथ एक से ज्यादा काम भी कर सकता है और एक से ज्यादा यूजर को भी अलाउ करता है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको जनरल एग्जांपल यहां पर इसका बता दे रहे हैं जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. अगर हम एटीएम मशीन की बात करते हैं तो एटीएम मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एटीएम मशीन के कंप्यूटर पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा यूजर एक ही समय पे एक से ज्यादा काम को, एक से ज्यादा वर्क्स परफॉर्म कर सकते हैं. इसका एग्जांपल आप लोग डेली खुद ही देखते हैं और सुनते भी हैं. ठीक है, कि अगर आपने वहां पर मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप पैसा निकाल रहे हैं, उसी समय पे उसी सिस्टम को कोई दूसरा यूजर यूज कर रहा है,
सेम सिस्टम को कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि हम सभी उसके सर्वर को यूज करते हैं और सर्वर एक ही जगह पे है और हम सभी मिलकर उसी सर्वर को एक ही समय पे एक ही टाइम पे सभी लोग यूज करते हैं और उसमें डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस सेम टाइम पे परफॉर्म कराते हैं और वो सभी को एक साथ अलाउ भी करता है। तो ये हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल आपको हमने यहाँ पे समझाया। अब इनके बारे में हम शॉर्ट में एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी डेफिनेशंस आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग किस तरीके से इसकी डेफिनेशन है, जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक यूजर एक बार में इसमें वर्क कर सकता है और एक बार में एक ही वर्क को परफॉर्म करा सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो है डॉस। डॉस डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। अगर हम इस पे कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करा रहे हैं तो उस समय पे हम अगर चाहें कि कोई दूसरा काम एक साथ परफॉर्म कराएं तो वो पॉसिबल नहीं होता है हमारे डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। इसी का दूसरा रूप है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग। जो सिस्टम हम लोग जनरली घर पे यूज कर रहे हैं वो हमारे ये सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे पॉपुलर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें कैसे देखिए काम होता है कि मान लीजिए कि कोई यूजर किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा है, उसी सेम टाइम पे अगर वो किसी अनदर वर्क परफॉर्म कराना चाहता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई एमएस वर्ड का पेज ओपन करते हैं, उसमें कोई एप्लीकेशन लिखना टाइप राइट स्टार्ट करते हैं, आप उसमें एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, सेम टाइम पे आपको कुछ इसमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक। आप किसी चीज के ऐसा एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन आ रही है, तो उस कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे, एप्लीकेशन भी आपकी वहां पर चल रही है और कैलकुलेटर भी ओपन हो गया। उसी समय अगर आप चाहें कि हम गाना भी सुनना चाहते हैं, सॉन्ग आप प्ले करना चाहते हैं, तो अगर आप सॉन्ग प्ले कर देते हैं तो गाना पीछे बैकग्राउंड में जो है सॉन्ग बज रहा है, मतलब चालू है, और उसी तरीके से उसी सेम टाइम पे आप एप्लीकेशन को भी टाइपिंग वहां पर जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप एक ही समय पे एक से ज्यादा काम को वर्क को परफॉर्म करा पा रहे हैं, तो ये हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। यूजर सिंगल ही रहेगा, अगर कोई दो यूजर चाहे उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक समय पर यूज कर लें तो पॉसिबल नहीं होगा, यूजर सिंगल ही रहेगा और काम जो है वो एक से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारा एक बैच प्रोसेसिंग भी है। बैच प्रोसेसिंग देखिए क्या है, बैच प्रोसेसिंग सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करके बनाया गया। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में क्या होता था, इसमें कुछ कमी, क्या कमी थी कि जो मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो उस समय जैसे रैम है हमारी, तो वहां पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो अब रैम की जितनी भी मेमोरी है जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उतना हम एक बार में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक छोटा सा प्रोग्राम मान लीजिए वहां पर परफॉर्म करा रहे हैं, कोई छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम वर्क कर रहे हैं, रैम हमारी बाकी की वेस्ट हो रही है क्योंकि उस समय पे हम उसमें कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं ला पा रहे हैं। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक बैच के फॉर्म में सेट करके रख लेते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एक कंप्लीट होता है, जैसे ही एक एक वर्क हमारा कंप्लीट होता है, दूसरा प्रोग्राम दूसरा वर्क जो है वो अपने आप तुरंत वहां पर आ जाता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक है। तो इससे टाइम की और मेमोरी की थोड़ी सी बचत हो जाती है, तो ये हमारा बैच प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके जो ये एग्जांपल हैं उनमें किस तरीके से आपको ये जो चार एग्जांपल दिए हैं इनका क्या क्या वर्क है और कैसे इनको हमें पढ़ना है। अब देखिए यहां पर हम मल्टी प्रोग्रामिंग को पहले देखेंगे। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय पे कई सारे अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक यूजर किसी एक सिस्टम को यूज कर रहा है,
उसको उसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करा रहा है, कोई अगर मान लीजिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, उसी समय यहाँ पर दूसरा यूजर जो है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकता है, फिर तीसरा यूजर भी सेम टाइम पे किसी तीसरे काम को करा सकता है। ठीक है, तो ये एक ही समय पे अलग अलग कार्य को अगर हमें पूर्ण करना है तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर हेल्प करता है। अब टाइम शेयरिंग में क्या है, टाइम शेयरिंग जो हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब जैसे कोई एक पर्टिकुलर यूजर किसी चीज को यूज कर रहा है, अब एक साथ कई यूजर तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक दूसरा यूजर वहां पर वेट कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उस समय दूसरी प्रोसेस का सेम प्रोसेस अगर आ रही है तो उसका एग्जीक्यूशन वेट करेगा। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि सभी जितने भी यूजर उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं सभी को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया जाता है, उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग टाइम शेयर कर दिया जाता है, उसी टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग उस हर एक काम को पूरा किया जाता है। तो समय समय पे एक दूसरे के लिए जैसे ही काम कंप्लीट होगा एक यूजर का, दूसरे का काम अपने आप तुरंत स्टार्ट होगा, और टाइमिंग और स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो वहां पर यूजर को समझ में नहीं आएगा और वो पूरा एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह वो वर्क करता रहेगा। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। मल्टी प्रोसेसिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि एक से ज्यादा प्रोसेसर एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग हम एक साथ, चाहे वो सेम प्रोसेस हो या अलग अलग प्रोसेस हो, एक कोई सिंगल यूजर भी अगर है और वो बहुत सारी प्रोसेस को परफॉर्म कराना चाहता है तो वो एक साथ यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करा सकता है। ठीक, तो ये हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम पे होता है वो बहुत ही हाई कॉस्ट सिस्टम भी होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं, और उनकी स्पीड जो है वो और उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, बहुत हाई, मतलब हाईएस्ट लेवल पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं है। ठीक है, तो इनका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए हम सैटेलाइट को ये भेजते हैं, सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं, तब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसी तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर टाइम की बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू हो उस जगह पे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में क्या होगा कि कौन सा प्लेन, कौन सी चीज जो वहां पर बताएगा कि किस तरफ, किस जगह, किस समय पे किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये चीज हमारी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम पर होगा वही सिस्टम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करा पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है जिसमें एक एक माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में, बहुत ही कम समय में हम किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इस तरीके से ये जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है, ये आपको अलग अलग सिस्टम के बारे में बताते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम में कितने अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उनके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उनका क्या क्या यूज है। ठीक है, और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग का आपको बताया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। इस तरीके से सभी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हम इन पे वर्क करते हैं। तो आज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर के आएंगे, उनको भी अच्छे से समझिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझने हैं, तो उनको ध्यान से देखिए और समझिए। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।